नमस्कार दोस्तों, मैं पवन, मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालकों का 8वां प्रकार, दोषपूर्ण अंग वाले बालक। ऐसे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित कर देते हैं, उन्हें शारीरिक अक्षमता वाले बालक कहा जाता है। अब कौन कौन सी शारीरिक अक्षमता में होती है? नंबर 1, ब्लाइंडनेस, दृष्टिहीन, लो विजन, अल्प दृष्टि, लेप्रोसी, क्यूरिड पर्सन, कुष्ठ रोगी, हियरिंग एम्पायरमेंट, सुनने में कठिनाई वाला व्यक्ति, डीफ, बहरा होता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला जिसे चलने संबंधी दिव्यांगता हो उसे कहते हैं, ड्वार्फिज्म जो बोनापन होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक दिव्यांगता मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को कहते हैं, मेंटल इलनेस मानसिक रुग्णता होती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आत्म केंद्रित होता है, अपने में ही खोया रहता है ऑटिज्म वाला बालक, सेरिब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्क घात, दिमागी लकवा, दिमाग का वह हिस्सा जिससे बच्चा अपने हाथ और पैर को कंट्रोल करता है जब उस पर लकवा आ जाता है तो उसे सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। नंबर 12, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशीय दुर्विकास, मांसपेशियों की दुर्बलता आती है इसमें। नंबर 13, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, लंबे समय तक चलने वाली दिमाग तंत्रिकाओं की बीमारी है ये। नंबर 14, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। नंबर 15, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बार बार सूजन आने के कारण तंत्रिका तंतुओं को ढकने वाली माइलिन शीथ नष्ट हो जाती है, इसके कारण तंत्रिका या नर्व्स धीमी हो जाती है। नंबर 16, थैलेसीमिया, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण यह रोग होता है। नंबर 17, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में कटने के स्थान से लगातार खून बहता रहता है, रुकता नहीं है। नंबर 18, सिकल सेल डिसीज, इसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार असामान्य हो जाता है और कठोर हो जाता है। नंबर 19, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, इसमें बहरा व अंधा सहित बहु दिव्यांगता आती है, यानी कि एक से अधिक वो दिव्यांग हो जाता है। नंबर 20, एसिड अटैक विक्टिम, अम्लीय हमला पीड़ित व्यक्ति। नंबर 21, पार्किंसंस डिसीज, इसमें शरीर के अंग कांपते हैं, इसे पार्किंसंस डिसीज कहते हैं। नोट, RPWD एक्ट 2016 में दिव्यांगता की श्रेणी 7 से बढ़ाकर अब 21 कर दी गई है। अब देखते हैं CBSE ने दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए क्या श्रेणीकरण किया हुआ है। नंबर 1, फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं, इसको कौन कौन से भागों में बांटा गया है? नंबर 1, लेप्रोसी, क्योर्ड पर्संस, सेरिब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम्स। फिर दूसरा प्रकार बताया है CBSE ने, विजुअल एम्पायरमेंट, नंबर 1, ब्लाइंडनेस, ब्रेल लिपि से इनको शिक्षा दी जाती है, नंबर 2, लो विजन, नंबर 3, हियरिंग एम्पायरमेंट, जिसमें नंबर 1 डीफ आता है, नंबर 2 हार्ड ऑफ हियरिंग आता है, नंबर 4 स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले बालक, नंबर 5 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बालक जिसमें टाइप दिए हुए हैं, नंबर 1 स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, जैसे नंबर 1 डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रेजिया, डेवलपमेंटेड अफेजिया, फिर नंबर 2 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बताया है CBSE ने, नंबर 6 मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी, नंबर 7 डिसेबिलिटी कॉज्ड ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड ब्लड डिसऑर्डर, इसमें CBSE ने कई प्रकार बताए हैं, जैसे ए क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिसीज, नंबर 2 ब्लड डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिसीज, फिर है नंबर 7 मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इस प्रकार से CBSE ने ये इतनी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ बताई हैं जिसके तहत बालकों को
दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में बैठते समय उन्हें विशेष प्रकार का समय या कोई और सुविधाएं दी जाती हैं। ये CBSE की ओर से है।